अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, चैप्टर नंबर 9, एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज। और इसको हम देखते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था करेक्टर सेट ऑफ सी, कीवर्ड्स एंड टोकन आइडेंटिफायर्स, और आइडेंटिफायर्स की हम टाइप्स देख रहे थे। हमारे पास जो आइडेंटिफायर्स हैं वो 2 टाइप्स के हैं। एक है हमारे पास स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स और एक है हमारे पास यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स। तो हम इसको देख लेते हैं और फिर हम मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके, what is standard identifier? Like keywords, there are also predefined identifiers in C. The predefined identifiers that are used for special purpose in this source program are called standard identifier. Each identifier has special meanings in C. The names used for standard library function are standard identifier. For example, in C program, the scanf and printf functions are mostly used for input and output operations. Therefore, the function names scanf and printf are example of standard identifier. जो standards identifier हैं उनके already predefined meanings हैं, उनको आप redefine नहीं कर सकते। हमारे पास जैसे library functions हैं जिसको हमने define किया था scanf और printf के लिए, ठीक है। तो ये जो हमारे पास scanf और printf है, ये example है standard identifiers। इनको हम अपने meanings के लिए use नहीं कर सकते, इनके जो meanings हैं वो already defined है। नेक्स्ट है यूज़र डिफाइंड नेम से पता चल रहा है ये टर्म। इसमें जो प्रोग्रामर है वो डिफाइन करता है अपनी नीड के अकॉर्डिंग सच एज वेरिएबल एंड यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। द आइडेंटिफायर डिफाइंड बाय द यूज़र इन द प्रोग्राम आर कॉल्ड यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर। सी इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल, सी कंपाइलर कंसिडर एरिया एंड एरिया एज टू डिफरेंट आइडेंटिफायर्स। क्योंकि केस सेंसिटिव है, तो अगर हमारे पास कैपिटल ए से एरिया है और अगर स्मॉल लेटर से एरिया है, तो ये दोनों को डिफरेंट आइडेंटिफायर कंसिडर करेगा। तो वेरिएबल्स की वैल्यू जब हमने स्टोर करनी होती है, तो उसके लिए यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर यूज़ करते हैं। और जो हमारे पास फंक्शंस हैं वो भी यूज़र डिफाइंड होते हैं, और वो नीड के अकॉर्डिंग जो प्रोग्रामर है वो ऐड करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जांपल है यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स के। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज़ वेरिएबल। डिस्टिंग्विश बिटवीन वेरिएबल नेम, वेरिएबल कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल एड्रेस। एग्जाम्पल, एक्सप्लेन विद सूटेबल एग्जाम्पल। और व्हाट इज़ मीन बाय डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। डिस्कस डिफरेंस बिटवीन डिक्लेयरिंग एंड डिफाइनिंग। राइट डाउन रूल्स फॉर नेमिंग अ वेरिएबल इन सी। व्हाट इज़ मीन्ट बाय वेरिएबल इनिशलाइजेशन। ये जो हमारे पास टॉपिक्स हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, नेक्स्ट हम इसको डिस्कस करेंगे। वेरिएबल रिप्रेजेंट आर लोकेशन इन द कंप्यूटर्स मेमोरी। इट इज़ यूज टू स्टोर प्रोग्राम्स इनपुट डाटा एंड इट्स रिजर्व ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। द नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन, फॉर एग्जाम्पल, द वेरिएबल नेम रिमेन्स फिक्स ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। हाउएवर, डाटा स्टोर्ड इन वेरिएबल मे चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। हमारे पास जो कंप्यूटर मेमोरी की जो लोकेशन है, वेरिएबल उसको रिप्रेजेंट करता है। और आपने जब भी इनपुट डाटा को स्टोर करना हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम वेरिएबल्स यूज़ करते हैं। और जो वेरिएबल नेम है वो ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता। ईच वेरिएबल इज़ गिवन अ नेम इन द प्रोग्राम कोड। व्हेन द प्रोग्राम इज़ एग्जीक्यूटेड, डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस आर एलोकेटेड टू वेरिएबल्स ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। हम जो है वेरिएबल्स के थ्रू, वेरिएबल का नेम जब असाइन करते हैं, तो बेसिकली हम डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस जो है वो एलोकेट कर रहे होते हैं वेरिएबल्स को। डाटा इज स्टोर्ड एंड रीड टू एंड फ्रॉम मेमोरी विद द रेफरेंस ऑफ वेरिएबल नेम। हम जो वेरिएबल का नेम जो देते हैं, वो बेसिकली रेफरेंस होता है डाटा को स्टोर करने के लिए, डाटा को रीड करने के लिए। रैम जो है वो आपके पास टेम्परेरी मेमोरी है, देयरफॉर डाटा इज स्टोर्ड इन द वेरिएबल टेम्परेरीली। तो जो वेरिएबल है, क्योंकि नेम से आपको पता चल रहा है, वो वेरी करेगा, वैल्यू चेंज होगी,
तो वेरिएबल में जो डाटा होता है वो टेम्परेरी स्टोर होता है, क्योंकि आफ्टर एग्जीक्यूशन जब एग्जीक्यूशन एंड हो जाती है तो ऑटोमेटिकली उसको डाटा को जो स्टोर किया होता है वो रिमूव हो जाता है। वेरिएबल नेम, कॉन्स्टेंट एंड एड्रेस। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है। सपोज द नेम ऑफ द वेरिएबल इज़ x2, मेमरी एड्रेस 0004 इज लोकेटेड टू इट एंड डाटा वैल्यू 62 इज स्टोर्ड इन टू इट। अब आपके पास वेरिएबल नेम है जो कि यहाँ पे x2 है। अब x2 उसका नेम है, ऑब्वियसली वो वेरिएबल कहाँ स्टोर है वो उसका एड्रेस है, और फिर उसमें आप क्या वैल्यू असाइन कर रहे हैं, क्या उसका कंटेंट है, क्या उसका मटेरियल है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे 62 जो है वो आपके पास कंटेंट है, x2 उसका नेम है, और 0004 उसका एड्रेस है। तो यहाँ पे देखें 0004 एड्रेस में वैल्यू 62 स्टोर हुई हुई है, और वेरिएबल कौन से वेरिएबल में, x2 में, x2 उसका नेम है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स, स्पेसिफाइंग द वेरिएबल नेम एंड देयर डाटा टाइप्स इन द प्रोग्राम इज कॉल्ड डिक्लेरेशन। आप जब वेरिएबल नेम और उसकी डाटा टाइप स्पेसिफाई करते हैं तो ये वाला जो प्रोसेस है ये आपके पास डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल है। सी इज़ अ टाइप लैंग्वेज, टाइप लैंग्वेज जिसमें आप हर एक की, हर वेरिएबल की डाटा टाइप पहले असाइन करते हैं। इट मीन्स दैट ऑल वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर दे आर यूज इन द प्रोग्राम। सारे के सारे वेरिएबल्स पहले डिक्लेयर होंगे, मतलब आप उसकी डाटा टाइप बताएंगे। सी कंपाइलर विल गिव एन एरर इफ़ एन अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल इज़ यूज इन द प्रोग्राम। अगर आपने उन्हें डिक्लेयर नहीं किया लेकिन अंदर बॉडी में आप वेरिएबल्स को यूज़ कर रहे हैं तो वो आपको एरर देगा। इन सी कंपाइलर वेरिएबल्स कैन बी डिक्लेयर्ड एनी वेयर इन द प्रोग्राम बिफोर दे यूज। अब उनको यूज़ करने से पहले कहीं भी आप उसको डिक्लेयर कर सकते हैं, बट यूज़ करने से पहले। यहाँ पे आपके पास सिंटैक्स है टाइप वेरिएबल, टाइप में आप उसकी डाटा टाइप देंगे और फिर आपने वो जो भी उस वेरिएबल का नेम है वो देंगे। अब टाइप में इंटीजर आ सकती है, फ्लोट है, डबल है, करैक्टर है, और वेरिएबल में जो आपने नेम यूज़ करना है और वो जो नेम है वो हम रूल्स के अकॉर्डिंग उसका नेम स्पेसिफाई करेंगे, और आगे हम देखेंगे कि क्या रूल्स हैं जब आप वेरिएबल नेम असाइन करते हैं। When a variable is declared, जैसे ही वेरिएबल को आप डिक्लेयर करते हैं, a memory location is assigned to it. उसी टाइम उसको मेमरी लोकेशन मिल जाती है। The size of memory location assigned to variable depend upon the data type of the variable. अब वो जो size है वो depend करता है data type पे, कि आप integer यूज़ कर रहे हैं, आप float यूज़ कर रहे हैं, आप double कर रहे हैं, character कर रहे हैं, उसके according उसको size मिलेगा memory location का। ठीक है, यहाँ पे देखें डिक्लेरेशन वेरिएबल में हम एग्जांपल यूज़ कर रहे हैं। अगर इंट सम है, ठीक है, तो क्या होगा, अगर हम इंट ए बी सी और फ्लोट एक्स वाई जी, ठीक है। अब इंट सम में सम एक ही वेरिएबल है, ठीक है, और उसकी डाटा टाइप है इंट, और यहाँ पे ए बी सी 3 वेरिएबल्स हैं और तीनों की सेम है, तो उस वजह से इंट ए बी सी कोमा के साथ सेपरेट कर दिया, और फ्लोट एक्स वाई जी इन तीनों की भी सेम है फ्लोट, तो हमने यहाँ पे सेपरेट किया कोमा से, ठीक है। ऑल वेरिएबल डिक्लेयर्ड इन वन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम मस्ट हैव यूनिक नेम, अदरवाइज कंपाइलर विल गिव एन एरर, ठीक है। आप को जो वेरिएबल नेम है वो यूनिक यूज़ करना है, ठीक है, वो आप रिपीट नहीं कर सकते। अगर आप ऐसे करेंगे तो फिर कंपाइलर आपको एरर देगा, एरर मैसेज आ जाएगा। अच्छा जी, डिफरेंस बिटवीन डिक्लेयरिंग एंड डिफाइनिंग वेरिएबल। वेरिएबल डिक्लेरेशन ओनली इन्फॉर्म्स द कंपाइलर द नेम ऑफ द वेरिएबल एंड इट्स डेटा टाइप। इट डजंट रिवर्स मेमोरी स्पेस फॉर वेरिएबल, सॉरी, इट डजंट रिजर्व मेमोरी स्पेस फॉर वेरिएबल इन द मेमोरी। और वेरिएबल डेफिनेशन इन्फॉर्म्स द कंपाइलर द नेम ऑफ द वेरिएबल एंड इट्स डेटा टाइप। अ मेमोरी लोकेशन इज ऑल्सो रिजर्व फॉर द वेरिएबल, द साइज ऑफ द मेमोरी लोकेशन रिजर्व फॉर वेरिएबल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द वेरिएबल। अब वेरिएबल डिक्लेरेशन में जस्ट उसको नेम असाइन होता है, ठीक है, और डाटा टाइप। हम मेमोरी स्पेस जो है वो रिजर्व नहीं करते, ठीक है, बट जो हमारे पर डेफिनेशन है उसमें आप
वेरिएबल के नेम और डाटा टाइप के साथ साथ जो मेमोरी लोकेशन है वो रिज़र्व हो जाती है, जो उसका साइज़ है जितना जो वेरिएबल टाइप के ऊपर डिपेंड कर रहा है उसके अकॉर्डिंग जो मेमोरी लोकेशन है वो रिज़र्व कर दी जाती है। ये मेन डिफरेंस है दोनों में। इन सी वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट ऑल्सो डिफाइन दी वेरिएबल्स, लेकिन सी में क्या होता है जैसे आप डिक्लेयर करते हैं तो डिफाइन भी हो जाता है, ठीक है, डिक्लेरेशन के साथ साथ उसको डिफाइन भी कर देता है। दस व्हेन अ वेरिएबल इज़ डिक्लेयर्ड इन अ सी प्रोग्राम, इस वजह से हमने स्टार्ट में जब देखा था कि जैसे ही आप डिक्लेयर करते हैं तो जो मेमोरी लोकेशन है वो रिज़र्व हो जाती है उस वेरिएबल के लिए, बट हमारे पास जो और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उसमें जो डिक्लेयरिंग एंड डिफाइनिंग जो है वो डिफरेंट है, बट यहाँ पर आप जब डिक्लेयर करते हैं तो ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाता है, मतलब जो मेमोरी लोकेशन है वो रिज़र्व हो जाती है। ओके, लास्ट आज के लेक्चर का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल। यहाँ पे हमारे पास कुछ रूल्स हैं वो देख लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। अ वेरिएबल नेम ए कंसिस्ट ऑफ लेटर, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर, ठीक है, ये तीन चीज़ें आएंगी, लेटर्स हैं, डिजिट्स हैं और अंडरस्कोर है। द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ अ वेरिएबल नेम मस्ट बी अ लेटर और अ अंडरस्कोर, जो पहला कैरेक्टर है वो या तो लेटर होगा या अंडरस्कोर होगा, वो डिजिट नहीं हो सकता। हाँ, डिजिट सेंटर में आ सकता है, एंड में आ सकता है, बट फर्स्ट नहीं हो सकता, ठीक है। फिर स्पेशल करेक्टर सच एज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैन नॉट बी यूज्ड इन अ वेरिएबल नेम। अब जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं इनको आप यूज़ नहीं कर सकते, ये रिस्ट्रिक्शन है आपके पास। कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम, जो कीवर्ड्स हैं आप उनको भी यूज़ नहीं कर सकते एज अ वेरिएबल नेम। ब्लैंक स्पेसिस कैन नॉट बी यूज्ड इन द वेरिएबल नेम, जो ब्लैंक स्पेसिस हैं आप वो भी नहीं इसमें ऐड कर सकते। नेक्स्ट, मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ वेरिएबल नेम इज़ अप टू 31 करेक्टर, ज़्यादा से ज़्यादा जो लेंथ है वो 31 करेक्टर हो सकती है। अगर 31 करेक्टर से एक्सीड करेगा तो कंपाइलर उसको क्या कर देगा, नेक्स्ट करेक्टर जो 31 से एक्सीड कर रहे हैं, मोर देन 31 करेक्टर, उनको इग्नोर कर देगा। अ वेरिएबल नेम डिक्लेयर्ड फॉर वन डाटा टाइप, द सेम नेम कैन नॉट बी यूज फॉर अनदर डाटा टाइप, ठीक है, वेरिएबल नेम जो है वो एक ही डाटा टाइप के लिए होगा। हाँ, एक ही डाटा टाइप ज़्यादा सारे वेरिएबल नेम्स के लिए हो सकती है, लेकिन आपके पास जो वेरिएबल नेम है वो एक ही होगा, ठीक है, अदरवाइज वो एरर देगा। हमने कहा था ना वेरिएबल नेम जो है यूनिक होने चाहिए। बोथ अपर केस एंड लोअर केस लेटर कैन बी यूज फॉर नेमिंग वेरिएबल, आप अपर केस में भी यूज़ कर सकते हैं, आप लोअर केस लेटर भी यूज़ कर सकते हैं। सी इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, सी आपके पास केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इट्स मीन अगर आप कैपिटल में लिखेंगे तो ये वाला आइडेंटिफायर, और अगर स्मॉल में लिखेंगे तो ये वाले आइडेंटिफायर दोनों जो है उसको डिस्टिंग्विश करेगा, उसके लिए ये दोनों जो है डिफरेंट है। हाँ, जो केस सेंसिटिव नहीं होती उसके लिए कैपिटल और स्मॉल जो है उसको सेम कंसीडर करता है, बट यहाँ पे केस सेंसिटिव है इस वजह से इसमें डिफरेंस आएगा, ठीक है। ऑलवेज मीनिंगफुल नेम शुड बी गिवन टू अ वेरिएबल, हमेशा आपने मीनिंगफुल यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई ऐसा वेरिएबल चाहते हैं जिसमें आप डाटा स्टोर कर रहे हैं, कौन सा डाटा स्टोर कर रहे हैं, वैल्यूज़ को टोटल कर रहे हैं, तो फिर आप उसका नेम क्या लिखेंगे, टोटल। अगर आप किसी कोई नेम स्टोर करना चाह रहे हैं और उसमें भी फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो एफ नेम और लास्ट के लिए एल नेम, और एज कैलकुलेट कर रहे हैं तो एज, कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हैं तो मैथमेटिकल टर्म्स उसके लिए यूज़ करें ताकि वो मीनिंगफुल हो, आपको वेरिएबल को वेरिएबल नेम को देखते ही पता चल जाए कि इसमें किस टाइप की या क्या डाटा स्टोर हुआ है। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द वेरिएबल, फॉर एग्जांपल वी शुड डिफाइन अ वेरिएबल सम और सम ऑफ द नंबर्स टू स्टोर द सम ऑफ द नंबर्स, अगर आपको सम कैलकुलेट करना है तो उस वेरिएबल का नाम आप सम लिखें या टोटल लिखें ताकि पता चल जाए कि इसमें जो है वो टोटल कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स थे, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट रूल, आ वेरिएबल नेम डिक्लेयर फॉर वन डाटा टाइप, ठीक है, एक डाटा टाइप के लिए एक ही वेरिएबल नेम होगा, लेकिन एक से ज़्यादा नेम्स के लिए एक ही डाटा टाइप हो सकती है। जैसे हमने इंट यूज़ किया, इंट ए बी सी, ए बी सी तीन वेरिएबल्स थे, ठीक है, और उनके लिए एक ही डाटा टाइप थी, सही है, तो यूँ तो हो सकता है, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि इंट ए ए ए, ठीक है, वेरिएबल नेम रिपीट नहीं हो सकता, हाँ डाटा टाइप रिपीट हो सकती है, ठीक है। यहाँ तक हमारा जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया। यहाँ पे कुछ वैलिड वेरिएबल्स और इनवैलिड वेरिएबल्स दिए हुए हमारे पास उन रूल्स के अकॉर्डिंग। वैलिड में देखें इनकम और अंडरस्कोर एरिया और नंबर अंडरस्कोर ऑफ नंबर अंडरस्कोर स्टूडेंट्स आइटम मैक्स अंडरस्कोर स्पीड, ठीक है, ये वो सारे हैं जो उसके अकॉर्डिंग है। बट आगे अगर आप देखें वो इनवैलिड है, इनवैलिड क्यों है, साथ ही रीज़न दी हुई है। यहाँ पे देखिए नेम्ड और फिर ब्लैंक स्पेस और फिर मार्क्स है, ठीक है, तो ब्लैंक स्पेस अलाउ नहीं है।
फिर उसके बाद डबल है, और ये डॉट डबल या सिर्फ डबल, डबल जो है वो अलाउ है। एवरेज के बाद आ रहा है डैश। अच्छा हाँ, ये जो है ना, ये यहाँ पे जो दिया हुआ है वो टाइपिंग मिस्टेक है, इस वजह से डबल यहाँ पे ये हो रहा है कि मार्क्स के बाद डबल दिया हुआ है, सही है, इसलिए ये अलाउ नहीं है। अगर वैसे सिंपल डबल को देखा जाए तो वो अलाउ है, लेकिन यहाँ पे स्पेस दे के डबल किया हुआ है। फिर एवरेज और फिर स्लैश और फिर स्कोर नीचे आ रहा है। फिर रूम के बाद जो हमारे पास स्पेशल कीवर्ड है वो यूज़ हो रहा है, सही है, तो इस वजह से ये वाले जो हैं वो इनवैलिड हैं, क्योंकि जो हमने अभी रूल्स देखे थे ये उन रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच, होप सो यू विल गेट इट। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन प्लीज़ राइट इन कॉमेंट सेक्शन। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक, कॉमेंट एंड शेयर एज वेल, एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।